नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मृत्यु तुम्हर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को सोल में सिविल सेवा दिवस, तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को सोलवें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। देश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों के कार्यों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आज अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप भलीभांति जानते हैं कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। आप सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए। ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा।